न्यूक्लियर फिजिक्स, वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से हैं। इसमें डिटेक्टर्स और एक्सेलेटर्स हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, मॉडल्स हैं, रिएक्शंस हैं, न्यूट्रॉन फिजिक्स है, फिशन फ्यूजन है। इसके अलावा जो पहला टॉपिक आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, ये बड़ा टॉपिक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में तो ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बहुत लंबे आर्टिकल नहीं होंगे ये वाले। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, सिमिलरली रेडियस, स्पिन, पैरिटी, न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी है। उसके बाद मोमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, क्वाड्रोपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और आखिर पे स्टैटिस्टिक्स जो है ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये मेजर टॉपिक्स हैं। और अगर आप क्रेन की बुक देखें, लास्ट टाइम मैंने क्रेन की बुक को फॉलो किया था, तो ये नोट्स चूंकि उन्हीं उसी बुक में से बने हुए हैं, तो लिहाजा इस दफ़ा थोड़ी आसानी होगी इनको पढ़ाने में। तो इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स बुक है क्रेन की, जिसको हम फॉलो करेंगे। और यहाँ जो लिखी हुई है तरतीब, लाजमी नहीं है कि हम इसी को फॉलो करें, जो टॉपिक्स की तरतीब है ये जस्ट कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। यानी ये इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने पढ़ना क्या है। और आज का लेक्चर चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो लिहाजा मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से इंट्रोडक्शन पे ही ज़्यादा बात करूँगा, और डिटेल्स में जो है वो हम नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा डिटेल भी करते जाएंगे। अच्छा, डिटेक्टर्स और एक्सेलेटर्स में जो चीज़ है ये बेसिकली ये है कि आपके पास अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या कोई न्यूक्लियर डीके होता है, तो आप उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिटेल होगी। फिर रेडियो एक्टिव डिकेज, ये तो आपने काफ़ी दफ़ा FSC में, BSC में भी देखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा डिकेज। लेकिन वहाँ पे आप जस्ट इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, या शायद एक आधी इक्वेशन आपने देखी हो अल्फा बीटा डिके की, कि कौन सा रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में कौन सी जो है वो आप यूज़ करते हैं इक्वेशन को। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के हवाले से जो है यहाँ पे वन सेकेंड, ये न्यूक्लियर फोर्सेस में ये आता है कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं चार्जेस के दरमियान, तो ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लग रही होती है, जो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है। तो ये फोर्सेज हम इसमें स्टडी करते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान वैसे एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स होती है कूलम फोर्स, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। इसके अलावा भी एक फोर्स होती है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगती है। और उसकी क्या एविडेंस है कि वो होती है, और वो कैसे मालूम की जाती है, उसकी डिटेल जो है वो इसमें पढ़ी जाती है। इसमें एक थ्योरी होती है जिसको युकावा थ्योरी कहा जाता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मीजोन थ्योरी भी कहा जाता है उसको। न्यूक्लियर मॉडल जो है वो ये है कि जो न्यूक्लियस की शेप है वो किस तरह की होती है। अब शेप से मुराद, जब हम फिजिक्स में किसी शेप, चीज़ की शेप की बात करते हैं, तो बेसिकली उसकी डिफरेंट जो डायमेंशन हैं वो हम देखते हैं, उसका जो, चूंकि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर डील कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको पता है वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है। तो किसी भी चीज़ की जो शेप है वो, या उसकी जो डायनामिक्स है, वो डिपेंड करती है कि आप उसके लिए कौन सा पोटेंशियल चूज़ करते हैं। तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का तो यूनिवर्सल फार्मूला है, हर चीज़ पे लगता है, ½ mv², लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में भी आपने ये चीज़ देखी है कि जैसे जैसे पोटेंशियल्स चेंज होते हैं, मसलन पोटेंशियल अगर 1/r से वेरी कर रहा है, तो आप उसको सेंट्रल फोर्स फील्ड कह देते हैं और सेंट्रल पोटेंशियल कहते हैं। अगर पोटेंशियल की कोई और फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल -kr, सिंपली 1 - kr लिख लेंगे तो वो लीनियर पोटेंशियल बन जाता है, kr² लिख लेंगे तो वो क्वाड्रेटिक पोटेंशियल बन जाता है। तो डिफरेंट पोटेंशियल इस्तेमाल करें तो उससे आपकी जो डायनामिक्स है, हैमिल्टोनियन है या लग्रांजियन है किसी चीज़ का, वो चेंज हो जाता है, सारी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। तो ये न्यूक्लियर मॉडल जो है उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिप्लाई टू दैट? जी, पूछें। सर, ये पोटेंशियल की पूछना था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों होती है? सर, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट, स्पेस चेंज करते हैं या इट्स जस्ट समथिंग एल्स?
पोटेंशियल बेसिकली आपको शो करवाता है कंस्ट्रेंट्स। अब फर्ज करें आपके पास एक फ्री पार्टिकल है ना, जो जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ना कोई फोर्स लग रही है, और वो अकेला ही भागा जा रहा है, मूव करता जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये एक फ्री पार्टिकल है। और फ्री पार्टिकल में आप क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, आप उसका वी जीरो लेते हैं, यानी उसका पोटेंशियल क्या लेते हैं, जीरो। अब अगर वी नॉन जीरो ले लें तो वो फ्री फ्री पार्टिकल नहीं होगा। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन होती है कि आप कोई ना कोई पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। यानी आपने शायद ये पढ़ा हो कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है दैट गिव्स यू द फील्ड और फील्ड गिव्स यू द फोर्स। यानी कहने का मकसद यह है कि अगर किसी चीज़ पे ग्रेविटी लग रही है तो लाजमन वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स मौजूद है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पाया जाता है। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है तो वो बन जाएगा, वो उसका ग्रेडियंट आपको देगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट करेगा एक फोर्स पर यूनिट मास। तो वो फोर्स जो है वो उसके जो फ्री पार्टिकल की मोशन थी, जो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, उसको चेंज करके उसमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर देगा और आपकी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल की जो फॉर्म होती है दैट डिटरमाइंस द डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। मिसाल के तौर पे अगर आपने पोटेंशियल जो है वो इस तरह का दिया है कि आपका पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव करे, तो आपका पार्टिकल सर्कल में मूव करने लग जाएगा। जो ही आप उस पोटेंशियल को जीरो करेंगे वो फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो फिर फ्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल है तो वो आपको पता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी पोटेंशियल्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी आपने वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले कोर्स में फाई और ए को देखा था, तो फाई भी एक पोटेंशियल है, ए भी एक पोटेंशियल है। फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल है, ए जो है वेक्टर पोटेंशियल है। जहाँ फाई मौजूद होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट होगा, और जहाँ पे ए मौजूद होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा और मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगी। तो ये इस तरह से हम पोटेंशियल की फॉर्म से चीज़ों का पता चलाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट किस्म के पोटेंशियल जो है ना लोगों ने प्रपोज किए हैं न्यूक्लियस की डायनामिक्स और उसकी शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता थी न्यूक्लियस के बारे में, उसके बारे में मॉडल बनाना होता है कि हमें कौन सा पोटेंशियल है जो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। मसलन एक न्यूक्लियस जो है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, हमें पता है कि वो रेडी एक्टिव हो जाता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा डिकेज होने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दो एटम्स के न्यूक्लियस को लें और उनको आपस में बम्बार्ड करवा लें। मिसाल के तौर पर दो हाइड्रोजन्स को आप बम्बार्ड करवाते हैं या दो हीलियम्स को आप बम्बार्ड करवाते हैं। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आप फिशन फ्यूजन वगैरह करवाएं, जो आखिर पे लिखा हुआ है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ही आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम बेसिकली ये फिशन फ्यूजन को डिटेल में नहीं पढ़ते, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, सिंपल रिएक्शन, कंपाउंड रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिएक्शन, ये बहुत सी टाइप्स हैं रिएक्शंस की। फिर उनमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से लॉज ऑफ कंजर्वेशन हैं जो कि फॉलो होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये उसकी थ्योरी है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो है वो किस तरह से होते हैं। इस तरह से न्यूट्रॉन फिजिक्स है, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन लास्ट टाइम हमने उसको स्किप किया था, इस दफा हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, देखने में आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि ये मसलन 8-10 टॉपिक्स हैं, लेकिन असल में ये काफ़ी ज़्यादा कोर्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है इस हवाले से कि इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको डाटा याद करना पड़ता है, आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं चीज़ों की। डायग्राम्स बहुत कम हैं, लेकिन जहाँ आ जाती हैं तो पूरी डायग्राम के इर्द गिर्द पूरा आर्टिकल घूम रहा होता है। बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये मैं कहता होता हूँ कि पूरी फिज़िक्स में एक सबसे डिफरेंट सब्जेक्ट है। बाकी जितनी भी फिज़िक्स की फील्ड्स हैं सब के सब जो हैं उनको हम थ्योरी कह सकते हैं। यानी वो हर सब्जेक्ट जो है वो एक थ्योरी पे बेस करता है। मिसाल के तौर पर क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन की थ्योरी पे बेस करती है, रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी पे बेस करती है, क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर की थ्योरी पे बेस करती है। इसी तरह से सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉन मॉडल जो उसमें आप पढ़ते हैं वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस करती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट, फ्री मेटल्स और ये सारा कुछ जो है पूरा उसका एक मॉडल है एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से, और पूरे पूरे इक्वेशन हैं जिनको आप सॉल्व करके रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। तो बाकी के बारे में भी बात की जा सकती है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके बारे में एक वर्ड बोला जाता है कि इट इज़ नॉट अ थ्योरी, इट इज़ फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनन से ये लफ्ज़ निकला है, फिनोमिनोलॉजी।
फिनोमिनोलॉजी बेसिकली फलसफे की एक ब्रांच है जिसको अब साइंस में भी यूज किया जाता है। तो फिलॉसफी में फिनोमिनोलॉजी कहा जाता है कि फिनोमिने को देख कर अंडरस्टैंडिंग करना, और वो अंडरस्टैंडिंग किसी थ्योरी पे बेस नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि आप कोई एक थ्योरी नहीं लेंगे कि जिससे आप सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देंगे। यानी एक मिसाल के तौर पर अगर आपको एफ इजिकल टू एम ए का पता है, तो एफ इजिकल टू एम ए जो है वो इक्वेशन जो है वो आपको फोर्स और एक्सेलेशन का रिलेशन देती है। अब उसकी जगह पे आप चार्ज का एक्सेलेशन देख लें, मास का एक्सेलेशन देख लें, जमीन का एक्सेलेशन देख लें, गैलेक्सीज का एक्सेलेशन देख लें, किसी चीज का एक्सेलेशन निकालना हो, ये एक इक्वेशन से निकल आएगा। यही अप्लाई होगी हर जगह। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखेंगे कि हर डिफरेंट टॉपिक के लिए आपको एक डिफरेंट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। यानी हो सकता है कि जब आप बीटा डिके के लिए जो पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे, जो थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, वो अल्फा डिके के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, या वो गैमा डिके के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह मॉडल्स में भी आप देखेंगे, लिक्विड ड्रॉ मॉडल है, शेल मॉडल है, कलेक्टिव मॉडल है, हर मॉडल में आप एक नई थ्योरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में थ्योरी बाद में बनी है, पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आपको याद होगा कि पहले तो ये भी नहीं पता था कि न्यूक्लियस होता भी है कि नहीं, और न्यूक्लियस बहुत ताज़ा चीज़ है साइंस में। इसको अभी 120 साल के करीब ही हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी बल्कि 120 भी नहीं, 110 साल हुए हैं। 1911 में पहली दफ़ा रदरफोर्ड ने जो है वो ये बताया था कि न्यूक्लियस होता है। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस होता है। तो कहने का मकसद ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ रीसेंट फील्ड, दैट इज वाई, और उस वक्त तक सारी फिजिक्स बन चुकी थी जब न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप देखें 1932 में जाके तो न्यूट्रॉन दरियाफ्त हो रहा है, यानी न्यूक्लियस के बारे में उस वक्त तक इंफॉर्मेशन ही नहीं आई जब तक कि आपके पास जो है वो क्वांटम थ्योरी नहीं आ गई या बाकी चीज़ें नहीं आ गई। तो इस हवाले से न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रीसेंट है, जो कि अभी अभी तैयार हुआ है। तो लिहाजा इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जिनके ऊपर फाइनल करना बहुत टफ है, यानी कोई थ्योरी फाइनल करना बहुत टफ है। तो लोगों ने तरह तरह के मॉडल बना बना के इसको समझने की कोशिश की है। दैट इज़ वाई आपको हर टॉपिक एक डिफरेंट एंगल से समझना पड़ेगा। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस वो क्या कहते हैं कि डिसऑर्डर में भी एक ऑर्डर तलाश कर लेना चाहिए ना, मतलब आपके इर्द गिर्द क्योस है लेकिन उसमें भी आप क्या करते हैं, एक ऑर्डर तलाश कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिसऑर्डर्ड किस्म के टॉपिक्स हैं, डिसऑरिएंटेड किस्म के हैं, क्योटिक हैं, तो कोई मॉडल किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, कोशिश करेंगे कि जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको इसके साथ मिला के चलाएं। अच्छा, अब ये है कि थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं आज। अगर इसको मैं एक पेज पे ले आऊं, अच्छा इसमें अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको करवा दिया है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जो है। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है वो आपको पता है। न्यूक्लियस कहते हैं कि एटम के दरमियान में एक बहुत मैसिव पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। फिर तीन चीज़ें इसमें डिफाइन की जाती हैं, किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं इसको कहा जाता है चार्ज नंबर, बिकॉज जो न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो लेकिन न्यूक्लियस का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो उसके प्रोटॉन्स की वजह से है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। लिहाजा जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होगा, तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को समटाइम चार्ज नंबर भी कहते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन्स की तादाद है उनको न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं, दोनों की तादाद मिला लें तो उसको मास नंबर कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, लिहाजा न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से मिलकर बना होगा। लिहाजा अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इकट्ठी कर लें तो वो जितनी भी तादाद होगी वो मास नंबर आपको दे देगी। इसी तरह इसको डिनोट करने के लिए हम आमतौर पे एक्स ए जेड एन लिखते हैं, ये एन भी समटाइम आपको नहीं नज़र आएगा लिखा हुआ। एक्स जो है ना वो कोई भी सिंबल है किसी एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मसलन एक्स हाइड्रोजन हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। तो इसकी जो टॉप लेफ्ट है इसके ऊपर आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो मास नंबर होगा, और जो बॉटम है उसके ऊपर आपको जो है वो प्रोटॉन नंबर मिलेगा, यानी नीचे जेड होगा और ऊपर ए। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है
तो इसमें एक हाइड्रोजन में एक इसका मास है और एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि एक ही प्रोटॉन है और उसी का मास टोटल आपको ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, तो लिहाजा जीरो न्यूट्रॉन है। अच्छा, यूरेनियम के अंदर 238 उसका मास है और 92 उसके अंदर प्रोटॉन है, तो अगर 92 प्रोटॉन है तो बाकी मास जो है वो न्यूट्रॉन से आ रहा होगा, लिहाजा माइनस करके निकालेंगे तो 146 जो है वो न्यूट्रॉन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे कि आइसोटोप है। अब आइसोटोप आपको पता है कि वो तमाम न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें सेम जेड होगा और डिफरेंट जो है वो न्यूट्रॉन होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो ये बेसिकली डिफरेंट क्यों होते हैं, तीनों में प्रोटॉन तो एक जितने ही होते हैं 111, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह से आप हीलियम को देखें तो उसके दो आइसोटॉप्स हैं, इसी तरह यूरेनियम के तीन आइसोटॉप्स हैं, 238, 235, 239 वगैरह। तो ये डिटेल आपको मिल जाएगी। आइसोटॉप के अलावा आइसोटोन, यानी ये तीन तरह की चीज़ें हैं, सेम मास नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर और सेम न्यूट्रॉन नंबर, तीनों के नाम रखे हुए हैं। अगर सेम प्रोटॉन नंबर हो तो आइसोटॉप है, अगर सेम न्यूट्रॉन नंबर हो तो आइसोटोन है, और अगर सेम मास नंबर हो तो आइसोबार है। बार का मतलब मास ही होता है, तो आइसोबार का मतलब सेम मास। तो मसलन आइसोटोन की मिसालें आप देखें, H2 है और H3 है, ठीक है। इसी तरह से क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। H2 में जो न्यूट्रॉन है सॉरी वो 1 है और हीलियम में भी न्यूट्रॉन 1 है। इस तरह कार्बन में 3 न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन में भी 7 है, तो सेम न्यूट्रॉन नंबर की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन को कहा जा सकता है ये आइसोटोन है। आइसोबार में सेम मास है, मिसाल के तौर पर हीलियम 3 और हाइड्रोजन जो है ट्रिटियम जो है ये दोनों आइसोबार बनाते हैं। इस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये वाला आइसोटोप जो है ये दोनों मिलकर आइसोबार बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है सेम है। फिर मिरर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। मिरर न्यूक्लियाई बस ये होते हैं कि जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। मतलब ये कि हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन हीलियम में जो है वो 2 प्रोटॉन है, तो उसके 2 न्यूट्रॉन है और इसके 2 प्रोटॉन है, तो इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि ये मिरर न्यूक्लियाई है। फिर आइसोमर्स आ जाते हैं। आइसोमर्स जो है ये वो न्यूक्लियस होते हैं जिनमें इक्वल प्रोटॉन मतलब होता है और इक्वल मास होता है, लेकिन वो उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आइसोमर में एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ये टेक्नीशियम लिखा हुआ है, टेक्नीशियम भी कहते हैं इसको, तो ये इसमें आप देखें ये भी टेक्नीशियम है और ये भी टेक्नीशियम है, तो दोनों में मास नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है, एवरीथिंग ही सेम, न्यूट्रॉन नंबर भी सेम है, लेकिन इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो आइंदा आपने याद रखना है जिसके ऊपर स्टार लगा हो उसको हम एक्साइटेड न्यूक्लियस कहा करेंगे, और इसका मतलब होगा कि वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इस तरह आपने एक्साइटेड एटम्स पढ़े होंगे एटॉमिक फिजिक्स में कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से उठ के हायर ऑर्बिट में चला जाए तो हम कहते हैं कि ये एटम एक्साइटेड हो गया है, तो इसलिए उस एटम के नाम के ऊपर स्टार लिख देते हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, तो लिहाजा न्यूक्लियस की अपनी स्टेट होती है जिसको हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वो जो स्टेट होती है वो अगर एक्साइटेड हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड न्यूक्लियन है। तो अगर दो एक्साइटेड न्यूक्लियन हो तो उनको आइसोमर भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है, इनको आपने याद कर लेना है। बाकी ये आगे हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप लोगों को पता है कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, आप इनको जस्ट रीड आउट कर लें, कोई चीज़ ना समझ आए मुझे पूछिएगा। उसमें 1896 में हेनरी बैकवेल ने जो है वो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की। आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, तो जब फोटोग्राफिक प्लेट डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उनके नतीजे में 3 तरह की आपको ट्रैक्स नज़र आते हैं। एक ट्रैक्स में वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और एक नेगेटिव के और एक न्यूट्रल के। पॉजिटिव को अल्फा कह देते हैं, नेगेटिव को आप इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और बीटा को नेगेटिव कह देते हैं, और गामा जो है वो न्यूट्रल ट्रैक्स होते हैं, वो बेसिकली लाइट ही होती है। तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल होता है अगर आपके 82 प्रोटॉन से ज़्यादा प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में हो जाएँ,
और आर्टिफिशियल भी होता है। तो मैडम क्यूरी जो थी उसने रेडॉन मिसाल के तौर पर दरियाफ्त की थी, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो अब उसमें न्यूक्लियस की तादाद 82, उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 82 से कम भी हो तब भी वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, लेकिन फिर वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जो कार्बन 14 है, कार्बन हालांकि 6 प्रोटॉन्स होते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव होती है। कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग आप करते हैं वो कार्बन 14 के की अमाउंट को चेक करके, उसकी हाफ लाइफ को चेक करके देखा जाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, 1896 की ये बात थी, तो आप देखें अब 2020 है, तो इसका मतलब है कि 124 साल पहले की ये बात है। उसके बाद 1906 में रदरफोर्ड आ जाता है, तो वो जो है चूँकि अल्फा पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, बीटा पार्टिकल डिस्कवर हो गए, तो अब जो है वो इसकी शुरू हो जाती है स्टडी। तो रदरफोर्ड जो है उसकी स्टडी करता है और वो न्यूक्लियस को दरियाफ्त करता है। तो उसको आप यहाँ पे अब स्टडी कर लीजिएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सारा उसके एक्सपेरिमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर एक लेड चैम्बर है और उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं और वो एक फॉइल पे जा रहे हैं, वहाँ से वो स्कैटर होते हैं और एक डिटेक्टर पे आपको नजर आ जाते हैं। तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, स्कैटर्ड लाइट का और इनकमिंग लाइट का, स्कैटर्ड रेडिएशन का और इनकमिंग रेडिएशन का, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये सारी डिटेल है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ऐसा करें कि ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तक है इसको आप पढ़ लें, यानी ये जो लिखा हुआ है ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये मेरे ख्याल 154 पेज बनता है, 157 से 154, ये बैकवर्ड चलना है आपने। तो ये जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पहले पहले तक जो है वो आप इसकी रीडिंग कर लें और इसी में से फिर हम जो है वो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। जी अब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ये बेटे होते ही रहना है, मैं क्या करूँ अब इसका, आवाज़ का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया है। तो अभी अजान पीछे हो रही है, फिर भी अगर आपका कुछ सवाल है चैट वगैरह में तो आप मुझे पूछ लें।